अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी अंडे का पराठा बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में। इसकी रेसिपी बहुत ही आसान और टेस्ट में बहुत अच्छी होगी। अक्सर बच्चे नाश्ते में तंग करते हैं, अंडा नहीं खाते, तो आप इस तरह से आप अंडा पराठा बना के देंगे तो इंशाल्लाह बच्चे ज़रूर खाएंगे। उसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी, दो अंडे हैं, एक पराठे में एक अंडा जाएगा। इसके अलावा चीज़ों की कोई मेजरमेंट नहीं है, आप रेसिपी सारी देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी चीज़ें इस्तेमाल करनी। फाइन चॉप प्याज है मेरे पास, टमाटर को मैंने छोटा छोटा क्यूब्स काट के रखे हुए हैं, इसके बीज मैंने निकाल लिए हैं। देखें, इसे छोटे से फाइन चॉप किया, छोटे छोटे पीसेस करके बीज निकाल देने हैं आपने इसके। इसके अलावा सब्ज़ मिर्चें फाइन चॉप की हुई, सब्ज़ मिर्चें आप ज़रूर डालिएगा। फाइन चॉप करेंगे तो मुँह में नहीं आएंगी, और अगर फाइन चॉप करके सब आई डालेंगे तो लेकिन फ्लेवर उसका अच्छा आएगा। इसके अलावा दो छोटे साइज़ के मैंने पेड़े बनाए हैं, एक पराठे के लिए दो पेड़े हमें चाहिए होंगे, छोटे साइज़ के पेड़े बनाने हैं। उसके अलावा ये चेडर चीज़ इस्तेमाल होगा इसमें, नमक और लाल मिर्च। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अंडे को फेंट लेंगे। अंडे को हम फेंट लेंगे अच्छे से। एक पराठे में एक अंडा जाएगा, पेड़े छोटे छोटे बनाने, हम छोटे साइज़ का पराठा बनाएंगे, ठीक है। एक पराठे के लिए एक अंडा काफ़ी होगा। अच्छे से फेंट लेंगे अंडे को। अंडे को बहुत अच्छे से फेंटिएगा। वैसे भी अगर ऑमलेट बनाएं या फ्राई करें, ऑमलेट बनाएं अंडे का, तो जितना फेंटेंगे उतना फ्लफी आपका ऑमलेट बनेगा। लाल मिर्च डालूंगी, 1/4 टीस्पून मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ। नमक आप टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, लेकिन इस चीज़ का एहतियात करिएगा कि हमने चेडर चीज़ डालने हैं और उसमें भी नमक होता है, उस हिसाब से हम नमक डालेंगे इसमें। अच्छे से फेंट लेंगे ताकि नमक मिर्च अच्छे से मिक्स हो जाए और मिर्च किसी जगह भी सब मिर्च जमी ना रहे, ताकि अच्छे से प्रॉपर सारे में मिक्स हो जाए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे नमक और लाल मिर्च। लाल मिर्च मैंने 1/4 टीस्पून डाली है। तकरीबन 1 टेबलस्पून फाइन चॉप प्याज है, 1 टेबलस्पून, 1/2 टीस्पून फाइन चॉप सब्ज़ मिर्ची और 1 टेबलस्पून चॉप किए हुए टमाटर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अंडे का मिक्सचर हमारा रेडी हो चुके, अब हम अपना रोटी बेलना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल छोटे पेड़ा लेने और पतली रोटी बेलनी है आप, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना कि बिल्कुल पतली रोटी बेलेंगे आप। टमाटर उतार लेते हैं। छोटा पेड़ा होगा तो ही आपकी रोटी बारीक बेली जाएगी। हम एक रोटी में एक अंडा डाल रहे हैं, इसीलिए हमने छोटे उसी साइज की रोटी बनानी है, उस हिसाब से रोटी बेलेंगे हम। ये देखिए, एक रोटी मैंने एक पेड़ा बेल लिया है। देखिए इस, अभी थोड़ा सा मैं हाथ पे झाड़ें ताकि एक्सेस आटा जो ऊपर से निकल जाए। बिल्कुल बारीक बेलनी है रोटी आपने। हम दूसरा पेड़ा भी बेल लेते हैं। दोनों पेड़े आपने इकट्ठे बेल के रखने, फिर बनाना स्टार्ट करने। ये देखिए कितनी थिन है, अभी मज़ीद थोड़ा सा हाथ पे झाड़ेंगे तो और पतला हो जाएगा ये। हमेशा अगर फिलिंग वाला कोई भी पराठा बनाए, मैंने आपको आलू का पराठा बनाना सिखाया था, उसकी पेड़ा छोटा रखें और रोटी हमेशा बारीक बेलें। रोटी बारीक होगी, बारीक बेलेंगे तो ही आपकी फिलिंग का टेस्ट आएगा। अगर रोटी आप बहुत मोटी बनाएंगे तो फिलिंग का टेस्ट नहीं आता है सही तरह से। ये देखें, दोनों पेड़े हमारे बेले जा चुके हैं। अच्छा, तवा मैंने अभी चूल्हा जलाया, तवे को तेज़ गर्म नहीं करना है ताकि फ़ौरन हमारी रोटी पके ना। थोड़ा सा हाथ पे मैं झाड़ रही हूँ इसको। सिर्फ 2 मिनट पहले आपने चूल्हा ऑन करना है, तवे का नीचे चूल्हा बहुत तेज़ नहीं रखना है ऑन करके भी। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हल्का हल्का पक रहा है ये। फ़ौरन ही रोटी डालते साथ ही फ़ौरन सारा अंडा डाल देंगे और अंडे को फैला लेंगे।
ये अंडा को पूरे फैला लें ताकि किनारे तक अंडा आ जाए। सारा अच्छे से फैला लेंगे। देखिए इतनी रोटी के लिए एक अंडा काफ़ी है। अब साथ ही चेडर जो चीज़ का स्लाइस हमारे पास छोटे छोटे पीसेस करके ऊपर फैला लेंगे। आप चाहें तो कश करके चीज़ भी डाल सकते हैं। आपके पास अगर चीज़ का ब्लॉक हो तो आप कश करके डाल लें। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी डालूंगी, क्योंकि अंडा भी ऑयल में या घी में पकाया जाता है और पराठे भी हमेशा घी डाला जाता है ताकि अंदर से बिल्कुल ड्राई ना हो। इसलिए मैं 1 टेबल स्पून, ये देखें 1 टेबल स्पून ऑयल मैं इसके अंदर पूरा फैला दूंगी। आप चाहें तो मेल्टेड घी भी डाल सकते हैं। हल्का हल्का सा से मिक्स कर लेंगे। अब दूसरी रोटी इसके ऊपर हम रख देंगे। आराम से इस तरह से आपने दूसरी रोटी रख देनी इस, ठीक है? और साइडों से आप सेट करके किनारे अच्छे से दबा के सीर कर लें। देखिए अंडा कच्चा है, चूल्हा हल्का था और तवा भी ज़्यादा गर्म नहीं था, इसलिए रोटी आपकी प्रॉपर ऊपर चिपक जाएगी। और इसको हमने हल्की आग पे पकाना ताकि अंडा अंदर से पक जाए। एक साइड से पक गया तो मैं इसको पलट दूंगी। ये देखिए हल्का हल्का से एक साइड से पक चुकी है। आराम से इसको पलट देंगे। ये अभी भी पूरी तरह से नहीं पकी है रोटी। मैंने रोटी तवे पे रखी, फिर अंडा भी डाला, दूसरी रोटी भी डाली, इसके बावजूद सिर्फ इतनी सी कुक हुई है। अब हल्का सा दूसरी साइड से पलटने के बाद दूसरी साइड को प्रॉपर पूरा नहीं पकाना है। फौरन आप पलट के उसके ऊपर घी लगा देंगे। वापस पलट के आपने घी लगा देने, घी लगा के फिर हम पलटेंगे। दोबारा पलट के अब हल्की आग पे से इसको पकाएंगे। अभी नरम है अंडा अंदर से, ताकि इसका मतलब हल्का हल्का कच्चा है अंडा। हल्की आग पर हमारा पराठा पक रहा है। घी लगाने के बाद भी चूल्हा आहिस्ता ही रखना है ताकि अच्छा हमारे पराठे के ऊपर प्रॉपर गोल्डन कलर भी आ जाए और अच्छा सा क्रिस्पी पराठा बने और अंडा भी अंदर से पक जाए। ये देखिए हल्की आग पर पक रहे, हमारा अच्छा सा गोल्डन कलर आ रहा है पराठे पे। हल्का हल्का हिलाते रहिएगा ताकि इक्वल कलर सब तरफ से आ जाए। ये देखिए हमारा पराठा पक चुका है, लेकिन एक साइड से किनारा भी सही नहीं, उसका कलर आया है। इस तरह से करके मैं इसको किनारे से पका लूँगी ताकि सारा पराठा अच्छा क्रिस्पी भी हो जाए और अच्छा सा कलर भी आ जाए उसके ऊपर। देखिए कितना अच्छा प्रॉपर सारे पराठे का कलर गोल्डन हो गया। दूसरी साइड से पक जाए तो मैं आपको दिखाती हूँ। अंडा बिल्कुल पक चुका है और अंडा बिल्कुल कच्चा नहीं है इसमें। दूसरी साइड से हमने कलर देना है और डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी हमारे अंडे का पराठा रेडी। मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से खोल के। ये देखें चीज़ मेल्ट हुआ है और अंडा प्रॉपर बिल्कुल पक गया, अंडा कच्चा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको सुबह नाश्ते में भी बनाएं और बच्चों को लंच में दे सकते हैं। आप पीसेस करके बच्चों को लंच बॉक्स में दें, बच्चे शौक से खाएंगे। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।